गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉजिया स्टाइल टू द अनदर व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज एग्ज़ाम देने। आज मेरा अकाउंटेंसी और बीएसटी का एग्ज़ाम है, वो मैं देने जा रही हूँ, तो आके मिलती हूँ। तो ये मैं आ चुकी हूँ पुरलिया रोड, जो कि रांची में मेरी सेंटर पड़ी है, रुसलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज। तो मैं जा रही हूँ वक्त मैं अपने लिए केक और कर्नाटो लेती है, बहुत भूख। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ एग्जाम देके और आगते के साथ मैं सो गई थी 2 घंटा, क्योंकि आज मेरा 2 पेपर था, एक अकाउंटेंसी और बीएसटी का, तो मैं थक गई थी, इसकी वजह से मैं अभी ये बोल रही हूँ। देन फिर मेरी बहन लेके आ गई ओरियो बिस्किट, जो कि मेरी फेवरेट है, और पता नहीं ये इतना प्यार क्यों दिखा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अलहमदिल्ला से मैं भी ठीक हूँ, और मैं हूँ फौजिया। तो 3 डेज से मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, और आज थी मेरी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की एग्ज़ाम। तो मुझे बहुत प्रेशर हो गया था, क्योंकि मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, 11th क्लास को मैं कभी सीरियस ली ही नहीं थी, और अचानक से बोर्ड एग्ज़ाम आ गए। क्योंकि मैम लोग बोल रही थी कि अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो मैं बहुत चिल कर रही थी, 3 मंथ में मैं तो कंप्लीट कर ही लूँगी ऑल सिलेबस, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से सुनने में आ गया कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसकी वजह से मैं उतना प्रिपरेशन नहीं की हुई थी। और सच बोलूँ तो मैं अकाउंटेंसी मुझे बहुत हार्ड लगती है, सभी बच्चों को लगती है, साथ साथ मुझे भी लगती है, बहुत हार्ड लगती है, और मैं उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं, मतलब मैं और सब्जेक्ट तो कर लेती थी याद, लेकिन मुझे कभी मतलब अकाउंटेंसी समझ आता ही नहीं था, और मैं फ्लो फ्लो में कॉमर्स ले रही थी। पहले मैं बता दूँ कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, और मैं आईकॉम कर रही हूँ अभी, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी अब मेरा, लेकिन फिर भी अलहमदिल्ला से एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया आज का भी, और भी दिन का ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब मुझे 12th बहुत प्रेशर होगा, 4 मार्च से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मुझे तो बहुत दिक्कत आएगी 12th में, और मुझे 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करना होगा अकाउंटेंसी का, बिकॉज जब तक आप 11th का कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप 12th का नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को लेके आपको पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए, बाकी तो आपके रिजल्ट, बाकी मेरे रिजल्ट बताता है कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया कैसा नहीं। मुझे तो पता है वैसे कि अच्छा गया है, मैं फर्स्ट तो हो जाऊंगी, अब कितने परसेंटेज से होंगे ये मुझे गारंटी से आपको बता भी नहीं सकती, और नहीं अपने आप को मतलब मैं इतना, लेकिन हाँ 70% से अबव आएगा, इतना तो मुझे खुद पे यकीन है। वैसे तो मैं अकाउंटेंसी को बताऊँ तो बहुत से गलत हुई है मेरी, मतलब 40 में मैं उसमें 18 गलत कर दी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ये होता है गाइस, ऐसे तो अकाउंटेंसी में ऑब्जेक्टिव था, इससे शायद मैं बच भी गई, क्योंकि सब्जेक्टिव मुझसे होता नहीं, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं कुछ प्रिपरेशन की ही नहीं थी, तो मैं क्या करती उसमें इतना मैथ्स, मैं बहुत वीक हूँ, सच बोलूँ तो बहुत वीक हूँ मैथ्स में मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि 12th में मुझे अच्छा करना है, और 12th बहुत हार्ड होता है, ऐसा तो सब कहते हैं 12th को ईजी नहीं लेना चाहिए, 11th क्लो क्लो में मैं कर दी कि चलो जो हुआ देखा जाएगा, मुझे पता है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, थोड़ी मेहनत तो की हूँ मैं, लेकिन वैसे भी नहीं कि मुझे इतनी 10th में की थी और सब क्लास में की थी, लेकिन जो भी गया अच्छा गया अलहमदिल्ला से, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये इसी वजह से मैं वीडियोस को उतना मतलब सीरियसली नहीं बना रही थी, और भी ब्लॉग्स भी मतलब अच्छे से नहीं ले रही थी, लेकिन अब से वीडियोस अच्छी आएगी, अब देखना जरूर एंड तक, और बताना कैसे लेकिन, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मेरी बहन अपनी फ्रेंड से ये नेल्स लेके आई है, जो कि आर्टिफिशियल है, फेक नेल्स है, और बट ये बहुत रियल टाइप लग रही है देखने से, कितनी की मिलती है रहनमा, ये हमको खुद नहीं पता, मिलती होगी 20-50, क्योंकि जो व्हाइट वाली मिलती है फेक नेल्स वो तो 5 रुपीज़ में मिल जाती है, और अब तो 10 रुपीज़ में मिलती है। अब मैं इसे लगा के दिखाऊंगी, हमको बहुत ज़्यादा शौक है नेल्स का, बहुत ज़्यादा, बचपन का प्यार है। हाँ ये शुरू से लगाती है, मैं दिखाती हूँ ये कैसे लगाती है। सो गाइस ये मिलता है इसके साथ लगाने को, पर ये ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं, ये जो ग्लू है ना वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है, मेरी बहन फेवी क्यूब लेके आई है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल रियल लगता है, और आराम से 15 डेज रह जाता है आप रखेंगे, अगर फेवी क्यूब से लगा के रखेंगे तो, और इससे लगाएंगे तो ये 2 से 3 दिन में मतलब और ये है मेरी बहन, मैं हूँ फौजिया, मैं हूँ रहनुमा, तो चलो मैं आपको आगे के दिखाती हूँ। ये है पपीता, और हम लोग इसे काटेंगे, एक सेकंड, जैसे सब सबका काटता है पपीता, तो अभी से मैं कट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना है छुरी, मेरी बहन आज पपीता काटेगी फर्स्ट टाइम, सच बता रही, फर्स्ट टाइम करने जा रही है। ये
बड़ी मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है पपीता काटने की। पहले से काटो तभी ना ये फिर से छीनना। हाँ हाँ तो वही पहले काट ही रहे। बिस्मिल्लाह कट गया। हाँ तो ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। अब इधर से इधर मुश्किल था उसके। बहुत मुश्किल वाली काम है क्योंकि हम कभी मिल हम पूरा इसका तो इतना निकाल देगी ना। तुम खा लेना मम्मी बताएगी। अच्छा ऐसे रुक जाए उसको पतला 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 छोड़ो मैं करती हूँ। हटो तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसे छीनने की। ऐसे तो हमेशा मम्मी करके देती इसलिए हमसे नहीं हो रहा है बट कोशिश करने में क्या आता है हमेशा जरूरी नहीं मम्मी करते कभी कभी हम लोगों को भी करना चाहिए। स्टॉप कर दे इससे भी कट कर लेते तब अच्छे से। सो गाइस ये मैं कट कर रही हूँ थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस में कि अच्छी लगी खाने में। तो मैं यहाँ पे ना सभी के लिए काट ले रही हूँ क्योंकि सब खाएंगे हम खाएंगे ये खाएंगे मम्मी खाएगी भाई खाएंगे और भाई तो रात में आएंगे। हाँ तो भाई तो रात में आएगा काम और एक भाई है वो अभी रहता है दोस्त लोग के साथ सिर्फ घूमी घूमी होता है। काश हम लोग लड़का होते लड़की होना भी पूरा नहीं है। हाँ अलग दोनों के लिए लड़का भी लड़की भी तो अब मैं जा रही हूँ चाट मसाला भी दे देती हूँ। अभी नहीं बिंगर सा ना अभी इसमें मिक्स करना थोड़ी सी देंगे मिक्स मत कर ठीक है ऐसी। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ अपनी अम्मी को फ्रूट देने के लिए और यहाँ देख सकते हैं अम्मी किताब पढ़ रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो जी? कुछ भी कुछ भी कुछ भी का नाम पे तुम कुछ भी करती रह जाओगी। और यहाँ मेरी अम्मी देखो यहाँ जन्नत ले लेगी जन्नत और तुम बस कुछ भी। बचपन में कौन कौन ऐसे गाइस को भी खाते थे मुझे पता है बहुत लोग खाए होंगे बहुत लोग को याद नहीं होगा बहुत लोग खाए होंगे याद भी होगा तो आप कॉमेंट करके बताना ज़रूर। तो मैं जा रही हूँ ऊपर मेरे दादा बुलाए थे मुझे। वो गोभी का ना पत्ता सब बचा हुआ है उसको देने आने बोल रही बकरी खास तो मैं जा रही हूँ। मैं छोटी है मैं पालती हूँ बकरी रोशनी। तो ये लोग को मैं कहाँ दे दूँ तो मैं जा रही हूँ ऊपर मेरे दादा बुलाए थे मुझे फूल में पानी देने के लिए। मस्त धूप हुई है ये सब बहुत मस्त लग रहा है ना दादा बहुत प्यारा लग रहा है वहाँ नीचे से भी अच्छा लगता है मगर छत पे। और यहाँ पे मेरे दादा पानी दे रहे हैं और चिड़िया की आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही इतनी प्यारी लग रही थी ना गाइस। और अब देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी हमारी छत लगती है मुझे तो बहुत प्यारी लगती है ऐसी। फिर हमारे यहाँ पे आ गया था क्यूट सा बेबी जो कि मेरी फ्रेंड का भाई है और ये मेरी बहन डरा दी थी रोने लगा था इसलिए इसका नाम है मोहम्मद बहुत प्यारा नेम है। फिर वो अचानक से ऊपर देखा फैन चलते हुए तो बहुत हंसने लगा बहुत प्यारा लगा था। यहाँ पे आप देखो इसकी स्माइल कितनी क्यूट है ना। सो गाइस मेरा भाई यहाँ पे है सिर्फ बॉडी दिखाते रहता कैमरा जहाँ ऑन नहीं था सिर्फ बॉडी और यही सबसे इसका बॉडी बन रहा है तो बहुत पतला था। मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठ के देख रही है सिर्फ। मैं दादा यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे बर्तन हो रही है। गाइस मेरी मम्मी यहाँ पे बोल रही है कि ये अनार से क्या निकला बेदाना तो ये क्या होता है दादा बता। अच्छा अब जो भी हो खाने का मतलब फायदा वाला मतलब। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो ये रोटी है कैचअप है मतलब सब्जी लगी है गोश्त। तो ये थी मेरी ब्लॉग कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।